हेलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ 10th, 12th और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी भर्ती निकल चुकी है। कुल 558 पदों की भर्ती है। स्टाफ नर्स के लिए भर्ती निकाली गई है। अंतिम तिथि 21 फरवरी 2022 है। इससे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भर लेना है। मासिक वेतन 34,800 यहाँ रखी गई है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाने वाली है UPSC के संबंध में, तो वीडियो में बने रहें और इस तरह के लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप आने वाली सारी नोटिफिकेशन से अपडेटेड रहें। आइए वीडियो में बात करते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यह पोस्ट निकाली गई है। स्टाफ नर्स के पदों की भर्ती है। कुल 558 पद है। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन करना है। उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन रहेगा। इसमें ध्यान रखें, मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। 21 फरवरी 2022 अंतिम डेट है इसका। अधिक जानकारी के लिए UPSC की वेबसाइट पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट 10वीं 12वीं साइंस के साथ पास आउट होना चाहिए उत्तर प्रदेश बोर्ड से, या फिर आप साथ ही नर्सिंग होना चाहिए, आपके डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए नर्सिंग में। इसके साथ ही आप यहाँ पर मनोरोग में आपका डिप्लोमा हो सकता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नोटिफिकेशन को पॉज करके पढ़ लीजिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम यहाँ पर 40 वर्ष है। जो इस बीच है जिनका एज, वो अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटर्न एग्जामिनेशन और आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा। इसके आधार पर फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है। सैलरी की बात करें, जैसा आपने देखा 9,300 से 34,800 प्रति माह यहाँ होने वाला है। काफ़ी अच्छी सैलरी है यहाँ पर। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह होगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पूरे स्टेप्स आपको दिए गए हैं। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsc.up.nic.in पे चले जाना है। उसके बाद होम पेज के लेफ्ट साइड में आपको ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास एडवर्टाइजमेंट का एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप केयरफुली नोटिफिकेशन को पढ़ लें। उसके बाद आपको एक अप्लाई बटन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस के दौरान आपको मांगी गई सारी यहाँ पर डॉक्यूमेंट देनी होगी रिक्वायर्ड साइज के अनुसार, और यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन का आप एक प्रिंट आउट रख लें ताकि फ्यूचर में आपके काम आए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये, SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए 40 रुपये। फिजिकल हैंडीकैप को यहाँ कोई चार्ज नहीं देना है, कोई फीस नहीं लगने वाला है, उनके लिए नील है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग का यहाँ 25 रुपये लगने वाला है। साथ ही आप ऑनलाइन पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स आप देखिए, 21 जनवरी से यह चालू हो चुका है। 21 फरवरी 2022 इसका अंतिम तिथि है। और ध्यान रखिए, 17 फरवरी 2022 से पहले आपको ऑनलाइन फी सबमिट कर लेना है। इससे पहले ही आप कर लें, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ता है तो फिर साइट डाउन होने लगता है। आप नीचे इम्पोर्टेंट लिंक्स देखेंगे, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का और अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन हिंदी या इंग्लिश अपने सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं। और इस आर्टिकल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से जा करके इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। साथ ही आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।